नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको व्रत वाली आलू की पकौड़ी बनाना सिखाएंगे। व्रत वाली आलू की पकौड़ी बनाने के लिए हमने सामग्री इस प्रकार ली है, तो चलिए सामग्री देख लेते हैं। हमने दो आलूओं को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह काट लिया है। सिंघाड़े का आटा, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, सेंधा नमक, रिफाइंड ऑयल। तो चलिए आलू की पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है। अब हम उसमें आलू ले लेते हैं, दो चम्मच सिंघाड़े का आटा ले लेंगे, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ले डाल के सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकौड़ी को तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम पकौड़ी को फ्राई करेंगे। पकौड़ी को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जिससे आलू पक जाए। अब हमारी पकौड़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। पकौड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप इस पकौड़ी को चाय के साथ, टमाटर की व्रत वाली चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आता है तो आप इसको प्लीज जरूर ट्राई करें और हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।